भूपेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरने बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता बिलासपुर रवाना हुए। महतारी हुंकार में शामिल होने दुर्ग के सभी मंडलों से निकली भाजपा नेताओं की टीम। प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ने व शराबबंदी जैसे वादे पूरे नहीं करने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज बिलासपुर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने दुर्ग शहर के सभी मंडलों से महिला मोर्चा की महिलाओं की टीम के साथ साथ भाजपा नेताओं की टोली भी बड़ी संख्या में बिलासपुर के लिए रवाना हुए। भूपेश सरकार चार साल के कार्यकाल में महिला अत्याचार दुष्कर्मों की घटनाओं में भारी वृद्धि होने व सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद होने से प्रदेश की महिलाएं भयभीत हो रही है और इसका मुख्य कारण अवैध शराब व नशे का कारोबार खुलेआम होना व पुलिस का अपराधों पर कार्यवाही नहीं होना। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा ने राज्य के न्यायधानी बिलासपुर से भाजपा महिला मोर्चा के आह्वान पर 1 लाख से अधिक महिलाओं का महतारी हुंकार रैली आहूत की गई, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह से ही शहर के चंडी शीतला मंडल, गंजपारा सदर मंडल, सिकोला भाटा पटरी मंडल व कसारीडी बोसी मंडल से बड़ी संख्या में महिलाएं व कार्यकर्ताएं बसों व विभिन्न वाहनों से बिलासपुर रवाना हुए। लगातार महिला अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भूपेश सरकार के राज में लगातार महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। शराबबंदी का उन्होंने वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। इनके विरोध में आज पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा न्यायधाली बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली आयोजित किया गया है और इस रैली में शामिल होने हमारे दुर्ग शहर के चारों मंडल से बड़ी संख्या में महिला बहनें आज बिलासपुर पहुँच रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चंडी शीतला मंडल द्वारा भी महिला मोर्चा के अध्यक्ष शीतल चांदनी के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बहनें बिलासपुर के लिए रवाना हुई हैं और हम सब आज भूपेश सरकार को जगाने आए हैं। महिला बहनें सड़क पर उतरी हैं ताकि भूपेश सरकार चेत जाए, वरना उन्हें 2023 में कुर्सी गंवानी पड़ेगी। इसी विरोध में आज महतारी हुंकार रैली आयोजित करें। चंडी शीतला मंडल द्वारा बड़ी संख्या में आज हमारे दुर्ग शहर से चंडी शीतला मंडल द्वारा बड़ी संख्या में सारी महिलाएं बिलासपुर राजधानी पहुंची है और हम न्याय चाहती हैं। न्यायधानी में आज प्रदेश की पूरी महिलाएं सशक्त रूप से अपने विचारों को रखने के लिए, अपने पर होने वाले शोषण और दुष्कृत्य के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में सड़क पर उतरी हैं और ये आने वाले दिनों में हम उनको ये बता देना चाहती हैं कि महिलाओं के ऊपर जो इस तरह से अत्याचार खुलेआम हो रहा है और उसकी बढ़ोतरी हो रही है, इसके विरोध में आज बिलासपुर में सशक्त रूप से महिला जो है सड़क पे उतरी हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।